हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी प्रैक्टिकली। तो आज का टॉपिक है यार शैनन एंड वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। तो बिजनेस कम्युनिकेशन का एक और मॉडल है ये, तो हम लोग आज की वीडियो में इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना यार, पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर समझने के लिए। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारी थ्योरीज के लिंक्स और पीपीटी के लिंक जिसका 10 रुपये वैल्यू है वो आपको मिल जाएगा। अगर आपको वैल्यूबल लगे आप उसको पे करके डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो आप छोड़ सकते हो। लेकिन वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना यार ताकि टॉपिक आप पूरा समझ सको। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो पिछली वीडियो में हम लोग ने एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन जाना था। अगर वो आपने नहीं देखा तो मैं ऊपर आई कार्ड पे दे दूंगा, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो जाकर के उसको। तो सेकंड एक और जो आता है आपको कम्युनिकेशन मॉडल वो है शैनन एंड वीवर मॉडल। शैनन एंड वीवर क्यों बोलते हैं, क्योंकि दो अलग अलग पर्सन है शैनन एंड वीवर। 1948 के आसपास की बात है ये। शैनन अलग काम करते थे मैथ में और वीवर अलग काम करते थे। दोनों ने एक तरीके से एक मैथमेटिकल कम्युनिकेशन थ्योरी लिखी जिसे हम लोग एक कम्युनिकेशन मॉडल के नाम से जानते हैं आज, क्योंकि उन्होंने कोई और पर्सपेक्टिव से लिखी थी लेकिन वो कम्युनिकेशन में ज़्यादा यूज होती है आज, ठीक है। तो यही वो मॉडल है जो कि हम लोग आज पढ़ने वाले। तो मैंने ये खोल करके रखा हुआ यहाँ पर इसीलिए क्योंकि मेन यही चीज़ है जो कि आपको जानने की ज़रूरत है, और इस मॉडल में ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। क्योंकि हम लोग ने एरिस्टोटल मॉडल में क्या जाना था कि यार एक स्पीकर होता है, बाकी ऑडियंस होते हैं, सारे चीज़ बाकी सब सुनने के लिए है, ये बोलने के लिए है, यही है आपका एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। लेकिन यहाँ पर शैनन एंड वीवर ने क्या डिस्कस किया है कि इंडिविजुअल जब आदमी टॉक कर रहा होता है, वन टू वन पर्सन, पर्सन टू पर्सन टॉक हो रहा है जब, तो उस समय क्या क्या चीज़ें अफेक्ट करती है आदमी के कम्युनिकेशन में, वो चीज़ें डिस्कस हो रही हैं यहाँ पर। और यही चीज़ जो है वो वर्ल्ड वाइड आजकल फॉलो भी होती हैं, ठीक है। तो मेन यही मॉडल है जो कि आपको पूरा जानने का ज़रूरत है। अगर आप थ्योरी वाइज अपना पीपीटी वाइज या एग्जाम वाइज या असाइनमेंट वाइज या जीडी वाइज कोई भी पर्सपेक्टिव से अगर आप पढ़ रहे हो इस टॉपिक को, तो आप ये मॉडल जान लो पूरा, तो आप आसानी से कोई भी पर्सपेक्टिव में अपना समझा पाओगे आप, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग समझना शुरू करते हैं। पहले क्या क्या है मैं आपको बता दूँ, जो सारे आपको जो एलिमेंट्स है वो क्या क्या है। सबसे पहले तो सेंडर है, एनकोडर है, ये चैनल है जो कि नॉइज़ से भी इन्फ्लुएंस होता है, डिकोडर है, रिसीवर है, और ये फीडबैक है जो कि वापस सेंडर को मिलता है, ठीक है। तो ये पूरा मॉडल है। अब यहाँ पे सबका रोल क्या है ये हम लोग एक एक करके समझते हैं, और उसके बाद एग्जांपल के थ्रू भी लास्ट में आसानी से समझेंगे, ठीक है। तो सेंडर कौन है, सेंडर इज दैट पर्सन हु इज सेंडिंग और इज वॉन्टिंग टू सेंड अ कम्युनिकेशन और अ मैसेज टू द अदर पर्सन, टू द रिसीवर, ठीक है। तो वो सेंडर है, सेंडर यानी कि मैं आप कोई भी हो सकता है जो कि दूसरे आदमी तक अपनी बात पहुंचाना चाह रहे हैं, ठीक है, वो सेंडर हुआ। एनकोडर क्या है, एनकोडर यानी कि एक ट्रांसमीटर, जो भी आप भेजना चाह रहे हो, जो भी आप बताना चाह रहे हो, वो जिस चीज़ से एनकोड हो रहा है, किस चीज़ से एनकोड होगा, मे बी आप किसी से अगर फ़ोन पे बात कर रहे हो तो आप फ़ोन जो है आपका वो ट्रांसमीटर बनता है, वो आपका एनकोडर है जो कि आपकी बातें एनकोड कर रहा है। ऑडियो रिकॉर्ड करके तो वहाँ तक नहीं जा रही है, तो वो किसी फॉर्म में जाता है, वेवलेंथ में जाता है, केबल के थ्रू जाता है, तो आपकी वॉइस जो है वो सेटेलाइट के थ्रू पास होते होते ट्रांसमीटर बनती है, मतलब ट्रांसमीटर के थ्रू फोन ही ट्रांसमीटर बनता है, तो वो आपका इनकोडर की तरह काम करता है, वो आपकी जो आवाज़ है, जो आपकी बात है, वो इनकोड करता है एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में जो कि दूसरे बंदे के फोन तक में पहुंचती है, और वो उसको डिकोड करता है यहाँ पर, ठीक है। आगे पढ़ते हैं एक एक करके, ठीक है। तो सेंडर कौन हो गया, जो आदमी अपनी बात किसी दूसरे आदमी को भेजना चाह रहा है, अब जिस मीडियम के थ्रू, जिस ट्रांसमीटर के थ्रू वो भेजता है, वो इनकोडर का काम करता है। आगे आता है चैनल, चैनल यानी कि किस चैनल के थ्रू वो पास ऑन हो रहा है मैसेज, ठीक है। मे बी आपको स्ट्रेट मैसेज पास ऑन हो रहा है, मे बी आपको एक ये जो ऐसे मैंने आपको बताया कि टेलीफोन जो है, तो टेलीफोन का सैटेलाइट चैनल है यहाँ पर, ठीक है। सैटेलाइट जो बनता है या जो केबल है, जो वेवलेंथ है, वो आपका चैनल फॉर्म करती है, उसके थ्रू आपकी जो मैसेज है वो यहाँ से यहाँ तक जा रही है, ठीक है। यहाँ पर नॉइज का एक बहुत बड़ा फैक्टर अफेक्ट करता है इस चैनल के थ्रू, यानी कि नॉइज क्या हो गया, जो भी डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होती हैं, जैसे कि मान करके चल रहे हैं अपन कि अगर आप फोन पे बात करते हो, ठीक है, तो नेटवर्क एरर क्या होता है, नेटवर्क इशू क्या होता है, वो एक नॉइज है, ठीक है। आप कुछ और बोलते हो, आदमी तक आवाज नहीं पहुंचती है सही से, यहाँ पे तो मेरे साथ बहुत बार होता है भाई, तो जनरली अगर मैं बोलूँ तो 50 बार दिक्कतें होती रहती हैं, ठीक है। तो यही नॉइज क्या है, यहाँ पे जो भी आपकी चैनल को जो डिस्टर्बेंस करती है, जो डिस्टर्ब करती है, जिससे कि मैसेज आपका प्रॉपरली नहीं पहुंच पाता है रिसीवर के पास, वो यहाँ पर नॉइज का काम करती है। फिर आता है आपका डिकोडर यानी कि रिसेप्शन, तो यानी कि अगर आप फोन के थ्रू अगर एग्जांपल लेके चल रहे हैं, तो अगर यहाँ पे रिसीवर के, सेंडर के फोन से एनकोड हुआ, तो जो रिसीवर का फोन है वो यहाँ पे डिकोड करता है, यानी कि वेवलेंथ जो वहां से चली है सैटेलाइट के थ्रू, जो मैसेज आ रहे थे यहां से गए
और यहाँ पर इनके फोन ने यहाँ पे रिसीव किया, तो ये डिकोडर का काम करता है, इन चीज को डिकोड करता है, ठीक है। और लास्ट आता है आपका रिसीवर, यही चीज डिकोड होकर के आपको सुनाई देती है कि हाँ भाई ये मैं बोलना चाह रहा हूँ, तो आपको अपने फोन पे सुनाई देता है कि ये बंदा ये बोल रहा है, ठीक है। आपके पास डेस्टिनेशन यानी कि आपके पास वो मैसेज पहुंच जाता है, और यहाँ से आप उसको फीडबैक देते हो जो कि वापस सेंडर के पास जाता है, एंड उसके बाद ये प्रोसेस फिर से रिपीट होता है। तो चलो यार एक प्रॉपर एग्जांपल लेकर के अब समझते हैं कि क्या है, कैसे काम करता है ये मॉडल, ठीक है। तो सेंडर मान के चलो कि आप हो, ठीक है, आप सेंडर हो, रिसीवर मान के चलो मैं हूँ। आप ये बोलना चाह रहे हो कि सर मे बी एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं कि सर आपकी वीडियो हमें बहुत अच्छी लगी, मे बी आशा करता हूँ लगी भी होगी, कमेंट करके बता देना, ठीक है। तो मान के चल रहे हैं आप सेंडर हो, मैं रिसीवर हूँ, आप ये चीज़ मेरे को फ़ोन करके कह रहे हो कि हाँ भाई सर आपकी जो वीडियोज है हमारे हमें को बहुत हमको बहुत अच्छी लगती है हम लोग को, ठीक है। ये आप इनकोड कर रहे हो फोन के थ्रू, ठीक है, वेवलेंस के फॉर्म में सेटेलाइट के थ्रू मेरे पास आपके से जाएगा ये ऑडियो, ठीक है। अब यहाँ पे ये इनकोड करता है, आपका जो टेलीफोन है वो इनकोड कर रहा है इस चीज़ को। अब एक चीज़ मैं बोलना कि सर नंबर दे दो ताकि हम लोग कॉल कर सकें, ठीक है, बाद में वो भी होगा प्रोवाइड, ठीक है। तो इनकोडर क्या है कि आपका फ़ोन जो है वो एक ट्रांसमीटर की तरह फॉर्म करता है, और उस चीज़ को जो आप कहना चाह रहे हो कि हाँ सर आपकी वीडियो हमें बहुत अच्छी लगती है, वो यहाँ पे इनकोड होती है। चैनल क्या होता है, मे बी वो केबल लेंस है अगर आप लैंडलाइन पे कर रहे हो, या फिर सेटेलाइट्स हैं जो आप अगर फ़ोन पे स्मार्टफोन्स के थ्रू या कोई भी वीडियो कॉल फ़ोन कॉल ऐसे कुछ भी व्हाट्सएप कॉल कर रहे हो तो, ठीक है। अब मान के चल रहे हैं कि आपके वहाँ पर एक डिस्टर्बेंस आई, मे बी कम्युनिकेशन एरर आया, मे बी आपको वहाँ पे सेटेलाइट का एरर आया, थोड़ा सा नेटवर्क इशू हुआ, उसके वजह से नॉइज़ आ गई, ठीक है। नॉइज़ के कारण क्या हुआ, मे बी मेरे को कुछ आधे अक्षर क्लियर मेरे पास नहीं पहुँचे। आप कहना चाह रहे थे सर हमें आपकी वीडियोस बहुत अच्छी लगती है, और मेरे पास मान के चल रहे हैं कि मे बी आवाज़ कट गई शुरुआत की, बस मेरे पास पहुँचा लगती है, ठीक है, मान के चल रहे हैं एग्जाम्पल है, ठीक है। तो मेरे पास क्या पहुँचता है, लगती है। तो अब मेरे पास अगर पहुंचा भाई लगती है, ठीक है, कोई ऐसा ऐसा नहीं कुछ मतलब, ठीक है। तो रिसेप्शन क्या है, डिकोड क्या आ रहा है, मेरे फ़ोन ने डिकोड किया इस मैसेज को क्या कि लगती है, क्योंकि आपने पूरा मैसेज भेजा, चैनल था सेटेलाइट के थ्रू, नॉइज आया, बाकी भी आवाज़ कट गई शुरुआत की, मेरे पास खाली लास्ट का मैसेज आया लगती है, और ये मैंने रिसीव किया भाई लगती है। अब आप मेरे को एज अ सेंडर, मैं रिसीवर, आप बोल रहे हो लगती है, मैं भी सोच रहा हूँ भाई क्या लगती है, मतलब ऐसा क्या लग रहा है आपको यार। तो यहाँ से क्या है, मैं आपके पास वापस फीडबैक भेजूंगा, यानी कि अगर हम लोग कॉल पर हैं तो मैं आपको वापस मैसेज भेजूंगा कि यार क्या लगती है आपको, क्या लग रहा है, क्या नहीं लग रही है, क्या ऐसा क्या हो गया आपको, लगती है मतलब कौन कोई मार रहा है, क्या हो गया। तो ये हो जाता है फीडबैक, ठीक है। एग्जाम्पल लेके चला है मैंने, कृपया इसको सीरियसली नहीं लिया जाए। तो ये है प्रॉपर आपका शैनन एंड वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। सिंपल है, काम कहाँ पर आता है, वन टू वन पर्सन। हम लोग ने जो एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ा वो कहाँ पे काम आ रहा था, जहाँ पे एक बंदा स्पीक कर रहा हो बाकी सब सुनने के लिए हो, ठीक है। यहाँ पे क्या है, वन टू वन कम्युनिकेशन। तो इसीलिए अगर हम लोग इसके डिटेलिंग की बात करें या फिर हाईलाइट्स की बात करें, तो ये सबसे पहला एक टर्म है कि यार ये शैनन एंड वीवर कम्युनिकेशन मॉडल वाइडली यूज है, ठीक है। आप कह सकते हो वर्ल्ड वाइड यूज होता है यही मॉडल, क्योंकि आप एक तरीके से इसी के थ्रू समझ पाते हो कि जब आप पर्सनली फेस टू फेस या वन टू वन किसी से कम्युनिकेशन कर रहे हो तो क्या एरर्स आते हैं या कैसे आपका ये प्रोसेस मॉडल काम करता है, ठीक है। और आप साथ में बोल सकते हैं यार कि ये मॉडल वन टू वन काम के लिए है, तो आप इसको एज अ स्पीकर या लार्ज मास ऑडियंस को नहीं डिनोट कर सकते हो, उसके लिए एरिस्टोटल मॉडल है, ठीक है। प्लस यहाँ पे आपका फायदा ये आता है कि आप प्रॉपरली समझ पाते हो कि यार क्या क्या नॉइजेज हैं, ठीक है। अभी भी यहाँ पे कम्युनिकेशन बैरियर्स के बारे में बात नहीं हो रही है, मे बी आपकी लैंग्वेज कुछ और है, मेरी लैंग्वेज कुछ और है, आप मान के चलो इंग्लिश में बहुत बात कर रहे हो, मैं मान के चलो कुछ भी भाषा है, उर्दू, गुजराती, मराठी, कुछ भी मैं भाषा समझता हूँ, मैं हिंदी इंग्लिश नहीं समझता हूँ मान करके चल रहे हैं, तो अल्टीमेटली क्या होगा, यहाँ पे नॉइज आएगी, यहाँ पे कम्युनिकेशन बैरियर आएगा। तो कम्युनिकेशन बैरियर के बारे में भी यहाँ पे डिस्कस नहीं हुआ है, तो ये भी एक अलग क्रिटिसिज्म है, ठीक है। तो यही था यार आज के वीडियो में, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, अगर लगा हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना यार, और कोई दिक्कत हो तो नीचे कमेंट करके या फिर इंस्टाग्राम लिंक्डइन पर आकर के मुझसे बातचीत कर सकते हो। मिलते हैं तब तक के लिए ऐसी और कोई इंटरेस्टिंग से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, वंदे मातरम।